क्वीन एलिजाबेथ द्वितीयना पति हिज रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑफ एडिनबर्गना निधन पर दुनियाभरना नेताओए दुख व्यक्त कर्यु छे। भारतना वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए पण पोताना शोक संदेशामां कह्युं छे कि तेमनी संवेदना ब्रिटनना शाही परिवार अने लोको साथे छे। आ अंगे वधु माहिती आपवा आपणी साथे लंडनथी सीधा जोडाया छे बीबीसी संवाददाता गगन सभरवाल। गगन, प्रिंस फिलिप को इतिहास कैसे याद करेगा? हाँ बीजल, बहुत सारे रीजंस की वजह से हिस्ट्री और लोग प्रिंस फिलिप को याद रखेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मेल कॉन्सॉर्ट इन ब्रिटिश हिस्ट्री। इसके अलावा 1947 में प्रिंस फिलिप की शादी हमारी महारानी के साथ हुई और इन दोनों के बीच एक 70-year-old मैरिज इन दोनों ने शेयर किया और इसकी वजह से ये दोनों रॉयल फैमिली में इनकी जो शादी है इट्स सपोज टू बी द लॉन्गेस्ट मैरिज। इसके अलावा प्रिंस फिलिप ने थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने महारानी को बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत पब्लिकली और प्राइवेटली भी। यू नो उन्होंने रफली ओवर 300 एंगेजमेंट्स प्रिंस फिलिप ने हर साल कैरी आउट किया और जब वो 90 इयर्स के भी बने बने तभी भी उन्होंने पब्लिक एंगेजमेंट्स कम नहीं किया। ही कंटिन्यू टू हैव 300 एंगेजमेंट्स एवरी ईयर। इसके अलावा प्रिंस फिलिप ने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग स्कीम भी शुरू किया। जी गगन, आपके पास जानकारी के लिए वापस आएंगे। हवे लेशु ब्रेक अने ब्रेक बाद पण आ कवरेज यथावत रहेशे। ફરીથી જઈએ લંડન, જ્યાં આપણી સાથે લાઈવ છે બીબીસી સંવાદદાતા ગગન સભરવાલ. જી ગગન, અભી યુકે મેં ક્યા માહોલ હૈ? बीजल, आज का जो माहौल यहाँ पर है ये न्यूज़ सुनने के बाद लोग बहुत ही शॉक्ड और उदास है क्योंकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया। प्रिंस फिलिप कुछ हफ्ते पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे तो लोगों को लगा कि वो रिकवर हुए हैं, ही इज गेटिंग बेटर। तो ये न्यूज़ बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है और यूके में सब बहुत ही उदास है क्योंकि प्रिंस फिलिप को लोग यहाँ बहुत पसंद करते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट यहाँ पे लोग देते थे। तो सब लोग बहुत ही उदास है और लोग क्वीन के लिए ज़्यादा उदास है क्योंकि अब क्वीन के बारे में लोग सोच रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना जो अपने हस्बैंड को खोया है इन सच डिफिकल्ट टाइम। सो द एटमॉस्फेयर यहाँ पर इज़ वेरी सैड, वेरी वेरी अपसेटिंग। जी, उनके जीवन की बात करें तो प्रिंस फिलिप और महारानी एलिजाबेथ दोनों कैसे मिले थे और दोनों की शादी कैसे हुई और उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहा? यू नो जैसे हम बोलते हैं इट वाज अ फेरी टेल लव स्टोरी। क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम पे जब वो प्रिंसेस एलिजाबेथ थी वो अपनी फैमिली के साथ डार्टमथ रॉयल नेवल कॉलेज विजिट कर रही थी इन द ईयर 1939। तब उनकी उम्र सिर्फ 13 ईयर्स की थी। तब उनका मीटिंग हुआ प्रिंस फिलिप के साथ हु वाज 18 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। प्रिंस फिलिप का उस दिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी था क्वीन एलिजाबेथ और उनकी सिस्टर मार्गरेट का ध्यान रखने का और तभी दोनों पहली बार मिले और दोनों में इंटरेस्ट जागा दोनों के बीच। और तब उस मीटिंग के बाद प्रिंसेस एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप एक दूसरे को खत लिखने लगे और धीरे धीरे से प्यार शुरू हुआ। प्रिंस फिलिप प्रिंसेस एलिजाबेथ को विंजर में भी मीट करते थे और 10th जुलाई 1947 को उनका एंगेजमेंट अनाउंस हुआ और 20th नवंबर 1947 को फाइनली प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस एलिजाबेथ की शादी हुई। एंड सो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी और उनकी शादी वेंट ऑन फॉर 70 लॉन्ग ईयर्स। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी शादी ब्रिटिश फैमिली की सबसे कामयाब और सबसे लंबी मैरिज लाइफ की कहानी है। जी गगन, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आ साथ ज अपने जणावी दिए कि प्रिंस फिलिप नु 99 वर्ष नी वये निधन थई गयु छे।